सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट। बट एवरी टाइम आई वॉक आई गॉट एन्चांटमेंट। मैं जैसे जैसे चलता जाऊंगा मेरे को एन्चांटमेंट मिलती जाएगी और मैं शक्तिशाली होता जाऊंगा। और अगर मेरे को एन्चांटमेंट नहीं मिलेगी तो इसके अंदर लेवल ऐड होता जाएगा, जैसे कि एन्चांटमेंट हो सकती है लेवल 10 लाख, जैसे पिछली बार हुई थी। तो अभी मैं अपने वर्ल्ड में आ चुका हूँ, बट ये वर्ल्ड थोड़ा सा बर्फीला सा है और इस बर्फीले वर्ल्ड में अब मैं करने वाला हूँ एन्चांटमेंट का नंगा नाच। मैं जल्दी से जाके वुड तोड़ लेता हूँ। जिंदगी में कुछ मत करो पर लकड़ियां पक्का तोड़ो, क्योंकि डिफोरेस्टेशन तो करना ही पड़ता है। कितने निर्दयी है हम इंसान गाइस। पहले मैं ना तोड़ लेता हूँ थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि एक भी कदम मैंने आगे बढ़ाया इन पर एन्चांटमेंट लगी। पहले ना मैं एक काम करता हूँ, इसके ना मतलब वुड का सामान वगैरह बना लेता हूँ। पहले एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ, उसके बाद लकड़ियां बना लेता हूँ, 8 काफी रहेंगी। और देखो जैसे ही मैं चला मेरे ऊपर लग चुकी है, मतलब इसके ऊपर लग चुकी है एन्चांटमेंट पावर 1, प्रोजेक्टाइल 1 और पता नहीं क्या। अब इसकी पावर 1 क्राफ्टिंग टेबल में पावर 1 का क्या करूं मैं, शक्तिमान बनाऊं क्या इसे? कोई बात नहीं गाइस, गुस्सा नहीं होते और सामान तोड़ते हैं। अभी मैं ना टूल्स वगैरह बना लेता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आगे। पहले एक एक्स बना लेता हूँ क्योंकि लकड़ियां काटनी है मेरे को। फिर एक पिकैक्स बना लेता हूँ क्योंकि पत्थर तोड़ना है मेरे को। और ये सैपलिंग को फेंक देता हूँ यार, सैपलिंग तक को एन्चांट कर दिया इन नशेड़ियों ने। ओके मेरे पास, मैं 2 कदम चलाऊं मेरे को थ्रॉन्स मिल चुका है और इसके अंदर पंच 1 है, अनब्रेकिंग 1 लग चुकी है मेरी लकड़ी वाली। उसमें मुझे है ना वैसे पत्थर चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ डायरेक्ट है ना धरती फाड़नी स्टार्ट करता हूँ। यू हैव डन योर 100 एन्चांटमेंट, वहां पर लिखा हुआ आया कोने में। मैंने अपनी 100 एन्चांटमेंट कर दी, धरती खोदना स्टार्ट करता हूँ गाइस। ये देखो क्या मस्त धरती खोद रहा हूँ मैं, पत्थर मिल गया। ओके अपना क्राफ्टिंग टेबल लगा के पत्थर का सामान वगैरह बना लेता हूँ। अ फ्यू इंचेस लेटर, यार मेरा स्टोनेज क्यों नहीं हो पा रहा? एक सेकंड। अबे यार स्टोन मिल रहे हैं मेरे को, कॉबल स्टोन चाहिए क्या, पागल हो गया तुम लोग? मुझे अब दोबारा से एक और पिकैक्स बनानी पड़ेगी। कैसी है ये, कहाँ गया सामान? ओके मेरा स्टोनेज हो गया है और भाई स्टोन की पिकैक्स भी मिल गई है। अब एक एक्स भी बना लेता हूँ स्टोन की, आ गया ये रहा। और मैं एक फर्नेस भी बना लेता हूँ क्योंकि है ना बाद में अगर मेरे पास स्टोन बचा नहीं तो, और फर्नेस तो लगेगी यार, बहुत सारा सामान आने वाला है। ओके मतलब जो मेरा बेसिक काम था वो पूरा हो चुका है। ओ भाई इस एक्स पे देखो कितनी एन्चांटमेंट लग गई है भाई, ये पूरी दिख भी नहीं रही, ये पूरा फट गया। और ऊपर जगह दो भाई, कहाँ पर है जगह? फॉर्च्यून 1 चैलेंजिंग भाई, क्या 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 नहीं है, मैं तो पढ़ भी नहीं सकता इतना सब कुछ है। चलो यहाँ से बाहर चलते हैं, चलो विलेज ढूंढते हैं, कि उसको ढूंढने में वैसे ही बहुत टाइम लगने वाला है। ओके विलेज में आ गए हम, अब जल्दी से विलेज में से सामान चुराना, मतलब इनको मैं सामान चुरा रहा हूँ विलेज से। तो इसमें क्या हो गया? पर इनके पास कुछ है ही नहीं यार, कुछ तो अच्छा दो, कुछ ऐसा जिसको देख के मैं खुश हो सकूं, राजा जी को खुश करो, नहीं तो ये पूरा जंगल मतलब पूरा विलेज तबाह कर दूंगा मैं। मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है, मेरे पास एन्चांटमेंट इनटू 1000 है। अरे फर्नेस तो यहाँ भी थी, इसकी उठा लेता, छोड़ो। 1812 एन्चांटमेंट लग चुकी है गाइस। ओके मेरे को ब्रेड मिल गई है, ब्रेड काम आएगी, ब्रेड अच्छी चीज है। पर यार इन्होंने एक चीज तो गलत करी है ना, अगर हम फूड खा रहे हैं तो जैसे गोल्डन एन्चांटेड एप्पल होता वैसे ही पावर देनी चाहिए थी ना इन्हें, फिर वैसे ही गोल्डन हार्ट आने चाहिए थे। एन्चांटेड फूड तो एन्चांटेड फूड है ना। ओ भाई मेरे को रियून पोर्टल मिल गया यहीं पास में, क्या ये? और इतना बड़ा रुइन पोर्टल क्या राक्षस ने बनाया था क्या भाई? यार मुझे रुइन पोर्टल के अंदर जाना है, इधर एक ही ऑब्सीडियन है, ऊपर गोल्ड ब्लॉक भी है। यार मेरे को आयरन के टूल्स चाहिए गाइस मेरे को, और आयरन के टूल कैसे मिलेंगे? अच्छा इधर तो वो होगा ना आयरन गोलम, आयरन गोलम कहाँ है इसका? आयरन गोलम ढूंढो। ओके आयरन गोलम मिल गया, रुको रुको रुक कहीं जाइयो मत, मेरे को काम है तुझसे। देखो कितनी प्यारी आंखों से देख रहा है, ये ले इसमें आग लग गई भाई, मैं क्या ये क्या है भाई? मैंने बेचारा आयरन गोलम की मौत होनी चाहिए गाइस, बट इतनी दर्दनाक मौत मैं क्या ही बताऊं, मुझे भी तरस आ गया, जल के मर रहा भाई ये। ओ भाई एक और दूं इसको, ओ भाई दोबारा आग लग गई इसमें, क्या ही बदतमीजी है ये आयरन गोलम, व्हाई यू गोइंग ऑन फायर? मेरे को आयरन मिल गया है कितने? ओके ये मेरे को रोज दिया है, मेरे को आयरन मिल गया कितने? 5 आयरन दिए। अच्छा फॉर्च्यून लगा होगा ना इस पे, अच्छा इसलिए 5 आयरन मिले। अभी इस आयरन से पिकेक्स बना लेता हूँ, एक डायमंड मिल जाता ना तो मैं मजे से इसे तोड़ देता यार। भाई मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं अब है ना कंटिन्यू जा रहा हूँ और नीचे वाई लेवल 13 तक खोदने ताकि मेरे को डायमंड मिल सके। हाँ इट्स अ बैड आइडिया बट इट इज व्हाट इट इज। ओके कहीं तो आया
आया मैं, कुछ तो है यहाँ पे। अरे लावा है वहाँ पे, अरे आयरन भी आएगा। अरे हाँ आयरन है यहाँ तो, एक दो तीन आयरन। ओ भाई पांच आयरन एक ही जगह पे, क्या है भाई। और ऊपर दो आयरन, अबे ये तो खजाना है भाई खजाना। कितने आयरन होंगे ये मेरे ख्याल से? अभी मेरे को 10 आयरन मिल चुके हैं ना, पर इसे हटाता हूँ। ओके 6 आयरन ये, 5 आयरन वो, और ये एक नीचे आयरन पड़ा है। 6 आयरन ये, 5 आयरन, 11 आयरन हो गए मेरे पास एंट्री लेते ही। और अभी भी आई थिंक यहाँ पर आयरन, अरे वो रे 4 आयरन। मैं एक काम करता हूँ, अपना आयरन का है ना पूरा सामान बनाता हूँ और अपने आप को आयरन में कवर करता हूँ। लकड़ियां यूज करनी होगी यार, कोल नहीं है मेरे पास। और मैं आयरन में कवर हो चुका हूँ पूरा, और कचरा साइड फेंक देता हूँ। वैसे मेरे को एक आइडिया आ रहा है, मैं मतलब इतने ज्यादा एंचांटमेंट है इन पे और इन्हें डायरेक्टली फेंके जा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं ग्राइंड स्टोन बनाऊँ। और ग्राइंड स्टोन जहां तक मुझे पता है, ग्राइंड स्टोन क्या करता है ना, एंचांटमेंट के बदले हमें एक्सपी देता है। तो अगर मैं ग्राइंड स्टोन बना के उधर अपने ये ब्लॉक्स वगैरह रखूं तो क्या होगा? मैं काम करता हूँ ग्राइंड स्टोन बनाता हूँ। ओके मेरा ग्राइंड स्टोन बन गया, मेरे पास अभी देखो 2 एक्सपी है बस। ओके लेट्स सी क्या होता है। और मेरी स्लैब्स पर भी पंचमन वगैरह क्या ही है यार। ओके अभी मैं ये रखता हूँ कॉबल स्टोन, इसके बदले मुझे करप। ओके ओ भाई मेरी 21 एक्सपी तो बढ़ रही है, एक्सपी तो बढ़ रही है। ये कर्स ऑफ वैनिशिंग नहीं हटेगा ना? आई थिंक कर्स ऑफ वैनिशिंग नहीं हटेगा। अभी इसको लगाता हूँ। ओके मेरी इस पर भी हो गया, मेरी 32 एक्सपी हो गई। अभी क्या हो रहा है ये? मैं गाइस थोड़ा सा ग्राइंड करता हूँ, ये सारी एक्सपी बटोरता हूँ, फिर आता हूँ। One eternity later. और 500 साल एक्सपी बटोरने के बाद मेरे पास 65 एक्सपी हो चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा। और अब मैं जा रहा हूँ डायमंड ढूंढने, होप यहाँ पर मिल जाए। मुझे एक माइनशाफ्ट मिल गई है, इसके अंदर कुछ हो तो अच्छा हो। यहाँ पर एक चेस्ट है, रुक एक सेकंड। अरे ग्लोइंग बेरी इन्फिनिटी। यार तुम मुझे एंचांटमेंट मत दो, मैं पहले बहुत अमीर हूँ, एंचांटमेंट मेरे पास इतनी सारी है क्या बताऊँ। ओह डायमंड, मैंने अभी देखा, मुझे नजर भी नहीं आ रहा था ये डायमंड है बाजू में। इसको तोड़ लेता हूँ भाई, निकलो यहाँ से। एक डायमंड मिल गया मेरे को, ये पूरा ब्लॉक टूटा है क्योंकि आई डोंट नो क्यों। पहले मैं इस डायमंड को है ना फर्नेस में रख के डायमंड बना लेता हूँ, मतलब क्या ही कह रहा हूँ। ओके डायमंड बन गया, एडवांसमेंट मेड, डायमंड इज ऑन माय फ्लोर। एक डायमंड हो गया, मेरे को अभी 2 और चाहिए, मेरी पिकेक्स रेडी हो जाएगी। आयरन वगैरह भी बटोर लेता हूँ, ग्राइंड स्टोन का भरपूर यूज करता हूँ दोबारा से। मैं 74 कर ली यार मैंने अपनी, और कितनी चाहिए? बस इतनी काफी है, आगे चलते हैं। अरे यहाँ पर एक और चेस्ट है ना, ओ भाई 2 और डायमंड। गाइस तुम देख रहे हो मेरी तरफ, मैं अभी अंधेरे में दिख रहा हूँ, एक बार लाइट लगा दूं, अब देखो मेरी तरफ। तुम समझ रहे हो मैं कितना पावरफुल हूँ? लक इनटू 100 चलता है मेरा। 2 डायमंड मिल गए भाई एक ही चेस्ट में, मेरे पास ये करके कुल टोटल 3 डायमंड हो गए हैं। तो मतलब मैं पिकेक्स बना सकता हूँ डायमंड की, और डायमंड की पिकेक्स पे अगर एंचांटमेंट लगी होगी तो मजे आ जाएंगे सच्ची बता रहा हूँ। अब पहले डायमंड की पिकेक्स बना लेता हूँ, डायमंड की पिकेक्स बना ली। और अब इन सब पत्थरों को जो बेकार है इन सबको हटाना स्टार्ट करता हूँ, और इन सब की एंचांटमेंट खाना स्टार्ट करता हूँ। ओके मेरे पास 92 एक्सपी हो गई भाई, थोड़ा सा और 100 हो जाएगी। बट अभी मेरे को यहाँ से बाहर जाना है, बहुत हो गया, पता नहीं कितनी दूर होगा। ओके मैं घर आ गया हूँ, मतलब घर तो नहीं कहेगा, घर विलेज आ गया हूँ। और यहाँ पर मेरे को ये मिल चुका है, अब मैं अपना ऑब्सीडियन का कार्यक्रम स्टार्ट करता हूँ और बनाऊंगा अपने लिए नेदर पोर्टल। हाँ बहुत ज्यादा जरूरी है वो नेदर पोर्टल इसलिए। तो अभी मैं नेदर जा रहा हूँ, तो चलते हैं जल्दी से, बस स्पॉन अच्छा सा मिल जाए मेरे को। अगर स्पॉन बेकार मिल गया ना तो बस बेड़ा कर हो गया। ओके मैं आ चुका हूँ नेदर में, और स्पॉन तो ठीक ठाक है, मैं ऊपर चलता हूँ जल्दी से। अरे वो फोर्ट्रेस है क्या है? ओके मुझे फोर्ट्रेस मिल चुका है थोड़ा सा ही ढूंढने पे, तो मैं ऊपर की साइड बिल्डिंग करना स्टार्ट करता हूँ ताकि मैं फोर्ट्रेस के अंदर जा सकूँ। और मैं फोर्ट्रेस में आ गया हूँ अभी, अब मेरे को थोड़े से ब्लेज को मारना है ताकि मेरे को ब्लेज रॉड मिल जाए, और इसी बीच में बहुत सारे ब्लेज रॉडों को मारूंगा, देखना तुम। ओके ये मर गया, और मुझे एक नहीं 2 ब्लेज रॉड मिल गई इससे। ये सब असर है गाइस मेरे फॉर्च्यून का, मेरे को 2 मिल रही है इनसे, तो मेरे को आराम से ठीक ठाक ब्लेज रॉड मिल जाएगी, बात बन जाएगी गाइस। और मेरे को एंटर आई चाहिए थोड़ी सी। ओके मेरा नेदर का काम खत्म हो गया, और अब मैं वापस जा रहा हूँ। हाँ इधर नेदर में कुछ ज्यादा मजे नहीं आए मेरे को, सिवाय इसके कि मेरे 13,000 एंचांटमेंट लग चुकी है। ओके अब मैं एंडर ड्रैगन को पेलने जा रहा हूँ, तो मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढना है, तो वो इस साइड है। 3 days later. ओके मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड आ गया, और मेरे पास अभी 17,000 एंचांटमेंट लगी हुई है मेरे पे।
मैंने एंड पोर्टल पे आंखें लगा दी और अब मेरा समय आ चुका है गाइस एंड पोर्टल में घुस जाने का और उस ड्रैगन को बजा चकाने का। तो चलते हैं जल्दी से एंड पोर्टल में, लेट्स गो। पोर्टल में नहीं, पोर्टल में। तो चलते हैं जल्दी से एंड पोर्टल में, लेट्स गो। और अभी मुझे एंड ड्रैगन को मार रहा, तो पहले मैं आ रहा इसका जल्दी से, ये जो इसको शक्तियां देते हैं ना, ये जो भी क्रिस्टल है इनको तोड़ देता हूं ताकि मैं जल्दी से इसे मार पाऊं। अबे इसकी आधी हेल्थ बची है बस, अभी थोड़ा सा और मारना ये मर जाएगा। मेरी जॉर्ड से ज्यादा जल्दी मर रहा है वैसे देखो तुम तो, पर ये ना भाग जाता ना जब, तब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये मर तो रहा है, मेरी जॉर्ड से मर रहा बहुत आराम से। 20,200 एंचांटमेंट लग चुकी है मेरे पे, मतलब मेरे 20,000 एंचांटमेंट हो चुकी है। ये गेम खत्म होने तक मेरे पास 20,000 एंचांटमेंट है, बट इस ड्रैगन को पेलना बहुत जरूरी है गाइस 20,000 एंचांटमेंट के साथ। अरे यार ये उड़ बहुत दिक्कत देता है, नीचे आ जाओ। ये गया शायद, मैं गया, रुक जाओ एक सेकंड कुछ खा लेता हूँ। ओके जाने वाला है, बस एक दो शॉट और ये खत्म है, खेलता हूँ इसे खत्म करता हूँ। ओके मैं ऊपर आ गया, ओके नीचे आ गया, एक दो। अबे मर जा भाई, ये दोबारा थोड़ा सा बचा, अब ये उड़ के भागेगा। ओके थोड़ा सा बचा, इसको पेल देता हूँ। ओके इसकी बिल्कुल कम हेल्थ है। अब इधर मैं एक चीज करना चाहता हूँ, देखो मैं ना मतलब किसी भी है ना अटैक वगैरह नहीं करूंगा, मेरे जो आर्मर पे थ्रॉन्स है तो मैं इसे थ्रॉन्स से मारने वाला हूँ, देखना इसके ऊपर कूद के। ओके ये मैं कूदा, ओ भाई ये थ्रॉन्स से मर गया मेरे आर्मर से, और इतनी बुरी मौत इसे किसी ने नहीं दी होगी। मैंने ना लिटरली अपना वो भी नहीं यूज करा। और ये एक्सपी का मैं क्या करूँ, मेरे पास पहले 111 एक्सपी है शगुन की, 121 हो गई, 121 ही रखनी चाहिए थी मेरे को। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो इसे अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पे तुम्हें दो वीडियो और नजर आ रही होगी, तुम्हें अगर मेरी वीडियो पसंद आई है ये वाली, तो तुम्हें इन दोनों में से कोई एक भी पसंद आएगी, तो उस पर क्लिक करके वो वाली वीडियो देख लो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।